उत्तराखंड में पिछले लंबे समय से मूल निवास और भू कानून को लेकर सख्त कानून बनाने की मांग चल रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पिछले दिनों साफ किया है कि आगामी सत्र के दौरान सरकार की मंशा प्रदेश में सख्त भू कानून लागू करने की है। आपको बता दें कि उत्तराखंड में मूल निवास और भू कानून के लिए बड़े आंदोलन का सिलसिला जारी है। हाल ही में ऋषिकेश में हुए आंदोलन के बाद हल्द्वानी में भी एक बड़ा आंदोलन किया गया है। इस मामले पर राज्य सरकार के वन मंत्री सुबोध उनियाल और संसदीय कार्य मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा कि सूबे के धामी पहले ही स्पष्ट कर चुके हैं कि अब पुराने समय में गलत तरीके से अर्जित की गई जमीनें वापस सरकार जब्त करने जा रही है। मुख्यमंत्री पहले ही कर चुके हैं कि आगामी सत्र में जल्द एक सख्त भू कानून आने जा रहा है, लिहाजा आंदोलन से पहले ही सरकार अपना विषय स्पष्ट कर चुकी है। वन मंत्री सुबोध उनियाल ने कहा कि सख्त भू कानून के लिए सरकार प्रतिबद्ध है, तो वहीं स्थानीय लोगों को भी इसके लिए पहल करने की जरूरत है। वन मंत्री ने कहा कि हाल ही में टिहरी के एक गांव के लोगों ने पब्लिक मीटिंग कर बाहरी लोगों को जमीन न बेचने के लिए बात कही है। या यूं कहें उनको ऐसा लगता है कि वो मालिक नहीं रह जाएंगे, कोई और लोग आ जाएंगे। देखिए, आप जानते हैं इसी विषय को लेकर माननीय मुख्यमंत्री ने बहुत स्पष्ट अपनी बात कही है कि सशक्त भू कानून हम लोग लाएंगे, आगामी जो सत्र होगा उसमें लाएंगे। और अभी भी जो उन्होंने एक बात बहुत स्पष्ट रूप से कही है कि कुछ लोगों ने जो 250 वर्ग मीटर की जो जमीन है, जो जिसके लिए वो उनको एक अधिकार दिया गया था, लोग अपने परिवार के अनेकों लोगों के नाम से जो ले रहे थे, उसको भी जानकारी जहाँ तक सरकार को आई तो उसकी भी जानकारी अब सरकार ले रही है। कुछ इस प्रकार का जहाँ गलत होगा तो सरकार उसके खिलाफ कार्रवाई करेगी। उस जमीन को जो है अपने उसमें निहित करेगी, यानी कि सशक्त भू कानून हमारी सरकार, जिसका पहले से मंतव्य था कि हम लोग लाएंगे, ठीक है कुछ लोग इसमें आंदोलन कर रहे हैं वो उनका विषय हो सकता है, लेकिन सरकार पक्षधर है कि हमारे यहाँ की ज़मीनें बचें, हमारे लोगों को इसमें इससे वंचित ना वो रह पाएँ और सशक्त वो कानून लाने की दिशा में हम लोग काम करें। देखिए, मेरे हिसाब से पहली चीज़ ये है कि कानून से नहीं, जन जागरण से आप इस तरह की चीज़ों को रोक सकते हैं। सरकार कानून बना लेगी तो लोग रास्ता निकाल लेते हैं। जैसे अभी टिहरी जिले के जड़धार गांव में गांव के लोगों ने आम मीटिंग करके, खुली मीटिंग करके निर्णय लिया कि कोई व्यक्ति अपनी जमीन बाहरी व्यक्ति को नहीं बेचेगा, जो बेचेगा उसका वो बायकॉट करेंगे। आज इस तरह की जागरूकता की आवश्यकता है। सरकार ने भी निर्णय लिया है कि जिस तरह से लोगों ने अनुमति दे के जिस प्रयोजन के लिए यहाँ पे जमीन ली थी, क्योंकि जब जमीन की परमिशन मिलती है तो उसमें बहुत स्पष्ट है कि 2 साल के अंदर निर्माण करना होगा, और दूसरा जो प्रयोजन आपने, जिस प्रयोजन के लिए आपने जमीन ली है, वो प्रयोजन कभी भी नहीं बदला जाएगा। सरकार के संज्ञान में आया कि कुछ लोगों ने प्रयोजन से इतर निर्माण किया है, तो ऐसे निर्माण, ऐसी जमीन को सरकार अपने में, सरकार में नीत करने का हम लोगों ने निर्णय लिया है कि ये जमीनें सरकार में नीत हो जाएंगी। इसी तरह जो 250 मीटर की अनुमति थी उसको वायलेट करने का काम किया, एक ही परिवार के 5-5, 6-6 सदस्यों के नाम जमीन ले ली, जबकि एक परिवार को 250 मीटर जमीन, वर्ग मीटर जमीन अलाउड है। तो अगर इस तरह के प्रकरण भी संज्ञान में आए हैं, उन प्रकरणों में भी जो शेष 250 मीटर से ज़्यादा जमीन है उसको सरकार अपने में नियत कर देगी।